एसएससी की परीक्षा को रद्द करें, और जैसा हमने 9वीं और 11वीं में किया है कि बच्चों के असेसमेंट के आधार पर, उनके छमाही एग्ज़ाम के आधार पर और बाकी असेसमेंट्स के आधार पर उनके मार्क्स दिए हैं फाइनल एग्ज़ाम में, तो वैसे ही 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के पेपर्स रह गए हैं, 29 मेन सब्जेक्ट्स के रहे हैं और कुल 83 सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, उन सब में भी बच्चों को उसके आधार पर। एक बड़ी खबर निकल कर आई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में वो वीडियो देख ही लिया है, वो एकदम रियल है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 के बचे हुए एग्जाम नहीं होंगे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। यह बड़ी खबर निकल कर आई सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, आप कौन से बोर्ड से हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे यार वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के कुछ एग्जाम बचे हुए थे जिसपे सरकार ने फैसला लेने का सोचा था, और इसे फैसला भी ले लिया क्योंकि लॉकडाउन की डेट है जो आगे से आगे बढ़ाई जा रही है, और यहाँ पर आपके बचे हुए एग्जाम नहीं होंगे। यहाँ पे अभी इन्होंने बोल दिया जैसे कि 9वीं और 11वीं कक्षा को प्रमोशन मिला है आगे वाली कक्षा में, तो आपके जो भी बचे हुए एग्जाम है वो नहीं लिए जाएंगे और आपको प्री बोर्ड के बेस पर पास कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा 9वीं एंड 11वीं की तरह आपको भी प्रमोशन दिया जाएगा आगे वाली कक्षा में, ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और आप कौन से बोर्ड से हो कमेंट करके जो बताएं, आपके अब एग्जाम नहीं होंगे, आपको चिंता नहीं करनी, बस आपका जल्द ही रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जो बताएं, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।